अस्सलाम वालेकुम। पुलवामा क्रू 24x7 में आपका खैर मकदम है। पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। यौम शोहदा के मौके पर मुतहदा मज़ामती क़यादत की तरफ से दिए गए हड़ताली कॉल का देखा गया मुकम्मल असर। हिंद नवा सियासी जमातों की तरफ से मज़ार शोहदा जाकर 1931 के शहीदों को किया गया खराज अकीदत पेश। यौम शोहदा के मौके पर मुतहदा मज़ामती क़यादत को रखा गया खाना नज़रबंद। अब खबरें तफसील के साथ। यौम शोहदा के मौके पर दिए गए मुतहदा मज़ामती क़यादत की तरफ से हड़ताली कॉल का आज मुकम्मल असर देखा गया। जहां सड़कों से ट्रैफिक गायब थी, वही दुकानें भी आज बंद देखे गए। सरहदी जिला कपवारा से मिले इतला के मुताबिक त्रेगाम इलाके में जब लोगों को नमाज जुमा अदा करने से रोका गया तो लोगों ने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे किए और यहाँ पर पत्थर और संग भी साथ साथ चले और संग के बीच में पैलेट और टायर गैस भी चले, जिसमें मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कपवारा मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मज़ार शोहदा जाकर 1931 के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। पीडीपी के सदर और रियासत के पूर्व वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी मज़ार शोहदा जाकर 1931 के शहीदों को जबरदस्त अल्फाजों में खराज अकीदत पेश किया। आज जहां यौम शोहदा के मौके पर मुतहदा मज़ामती क़यादत की तरफ से नक्शबंद साहब चलो की कॉल दी गई थी, उसी कॉल को लेकर मीरवाइज मौली उमर फारूक ने जो ही अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, तहम उनको पुलिस स्टेशन निगीन मुंतकिल किया गया है। उधर आज जामिया मस्जिद श्रीनगर को भी एहतियातन तौर बंद रखा गया है। ये थी हमारी आज की खबरें।